एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। कोल्हापुर जिले में दो दिनों से लगातार बारिश के चलते नदी और धरण के पानी के स्तर में वृद्धि हुई। मगन बावड़ा, राधानगरी और शाहूवाड़ी इस तालुके में दमदार बारिश के चलते नदी नाले के पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अकोला में जल संरक्षण के कारण दो स्कूल के बच्चे मर गए। ये घटना मूर्तिजापुर तालुके में दालम्बी गांव में हुई। गौरव बाहुर वाक और संघर्ष चक्र नारायण ऐसा मृत छात्राओं का नाम था। कोल्हापुर में वाहन लाइसेंस के लिए 1.5 महीने की प्रतीक्षा अवधि थी। अब एक दिन में एक ड्राइवर को वाहन लाइसेंस देने का मामला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अजीत शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। कोल्हापुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो एक दिन में वाहन चलाता है, ये देश का पहला कार्यालय होगा। कोल्हापुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून शासनाच्या परवानगीने तसेच माननीय परिवहन आयुक्त, माननीय परिवहन सहआयुक्त यांच्या परवानगीने प्रायोगिक तत्वावर यापुढे कोल्हापूर मुख्यालयामध्ये ज्या ज्या वाहन चालकांच्या टेस्ट घेतल्या जातील त्याचप्रमाणे जे ॲप्लिकेशन्स अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासाठी, पत्ता बदली करण्यासाठी इत्यादी कामासाठी येतील त्या सर्वांची लायसन्सेस त्याच दिवशी वाहन चालकांची ओळख पटवून थेट त्यांच्या हातामध्ये दिली जाते। खबरों में आज के लिए इतना ही। ताजा खबरें देखने के लिए MNS हिंदी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार।